एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को, तो जाहिर सी बात है अभी आपको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पेपर का क्या मीडियम रहता है और कैसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो, मैं थोड़ा सा प्रूफ भी आपको दे दूँ, अगर आप लोगों को समझना है तो भाई ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, ठीक है। अब ये कोर्स पर कैसे डिपेंड करेगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करोगे, फिलोसफी की बात करोगे, साइकोलॉजी की बात करोगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमनिटीज सब्जेक्ट की बात करोगे, तो ह्यूमनिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर कोई सभी अगर आप पेपर देखते हो तो वहाँ पर आपको बोथ लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। और आप लिख भी हिंदी और इंग्लिश में सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग साइंस के उसमें जाओगे तो आप लोग देख सकते हो, मैं साइंस का यहाँ प्रूफ दिखा देता हूँ। एग्जांपल, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का है, फरवरी में एग्जाम हुआ था। मैं आपको बता दूं, कहीं आप लोग घबराओ कि 2023 में, तो दिसंबर में पेपर है, 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर में पेपर है और एक हुआ था फरवरी में, ठीक है, यानी लास्ट ईयर जो बैच था पिछले साल का, ठीक है। लास्ट ईयर बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था क्योंकि उनका सेशन लेट था, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स की बात करो तो ये क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, और इंग्लिश में ही आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में पहले ही बता दिया जाता है क्वेश्चन पेपर के कि आप लोग हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में साफ नहीं लिखा है तो यानी आप लोग नहीं लिख सकते। अगर आप लोग यहाँ पे बोटनी के अंदर आओ, बीएससी बोटनी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी, हिंदी इंग्लिश का कहीं जिक्र नहीं है और क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश लैंग्वेज में बीएससी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बी ऑनर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं बी ऑनर हिस्ट्री में आता हूँ, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिलेगा, और आप लोग लिख भी हिंदी और इंग्लिश में सकते हो, ठीक है। अब ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो, कॉमर्स की बात करो, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में भी आप लोग को क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है, और आप लोग किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन सब्जेक्ट्स की बात करूं, सोशियोलॉजी की बात करूं, तो ये मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं इनके हिंदी में ही एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन पेपर भी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमर्स की बात करोगे तो इसमें भी बाइलिंगुअल आता है बीकॉम का, ठीक है, और लिख भी बाइलिंगुअल सकते हो हिंदी हो या इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बीएससी की बात करोगे तो बीएससी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मैक्सिमम कोर्स इसके अंदर बीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर होगा और इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक डाउट मैं और क्लियर कर दूं आप लोगों का अच्छे से। देखो, कुछ बच्चे क्या समझ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो एक कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हिंदी में एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में आप लोग एग्जाम लिख रहे हो और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चार अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं, हो सकता है भैया मुझे पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मैं मतलब इंग्लिश में लिख सकता हूँ, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में लिख सकता हूँ, तीसरा इंग्लिश में लिख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका जो है आंसर स्क्रिप्ट जो है बेसिकली जो आंसर आप लिखोगे वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो चेक नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये साफ साफ बोला जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में भी, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, आंसर में भी रिटर्न इधर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, किसी में भी लिख सकते हो, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर, ठीक है। तो आप लोग एक ही, ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग अलग लैंग्वेज करो, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि भैया जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री है मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ पे बी ऑनर हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूँ तो तीन कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तीन कोर सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अगर आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पे, अगर आप लोग अदर सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, किसी में भी हो, तो आपको ये ध्यान रखनी है, आप लोगों के तीन कोर पेपर है, फॉर एग्जांपल चार भी हो सकते हैं किसी के, दो भी हो सकते हैं, जो सिक्स सेमेस्टर में दो होते हैं कोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है पहला कोर है तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, दूसरा कोर सब्जेक्ट का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो हिंदी में लिख सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका फॉर एग्जाम्पल
क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी करके है एक सब्जेक्ट आपका, और एक दूसरा सब्जेक्ट है कोई सा भी मैं मान लेता हूँ लेजिस्लेटिव करके कोई दूसरा सब्जेक्ट है। तो आप लोग क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का इंग्लिश में दे दो, अगर आप लोग लेजिस्लेटिव का हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में दे दो, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर वन आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर टू हिंदी में, तो ये नहीं चलेगा। ये आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है आप लोग हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बस एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उन्हें यह नहीं पता होगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा हिंदी या इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। देखो मैंने बता दिया मैक्सिमम सब्जेक्ट बीएससी को छोड़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी जानना है, देखो हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी इन सबके हिंदी में भी होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी इन सबके, घबराओ मत। लेकिन अगर आप लोग तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है मैं तो यही कहूँगा कि PYQ की हेल्प ज़रूर ले लेना। प्रीवियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने अटैम्प्ट करने, कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं कि 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, किसी में 6, किसी में 8 और किसी में पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना होता है। अभी क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ देखो जैसे बीएससी अलजेब्रा बीएससी मैथमेटिक्स में देखोगे अलजेब्रा सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे अगर आप लोग सेकेंड में देखो बीएससी बोटनी का एग्जांपल, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। बाकी मैं यही कहूँगा आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, बस जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग PYQ की हेल्प ले सकते हो, अभी जो थर्ड सेमेस्टर में भाई उनकी तो PYQ नहीं मिलेंगे, लेकिन बस मैं उन्हें कहूँगा कि अगर आपको फिर भी PYQ चाहिए तो 2019 के अकॉर्डिंग आप लोग चलो, 2019 का एक बार सिलेबस चेकआउट कर लेना क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मैच तो भाई PYQ की हेल्प मत लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।